तो यहाँ पे सुबह की मॉर्निंग हो गई है। आज मेरा सुबह की मॉर्निंग दीपावली की सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज कढ़ी चावल भिंडी की सब्जी नमक सब्जी क्या क्या बना रही हूँ। सुबह का 3-4 आइटम बन रहा है, फिर शाम को जो बनेगा वो बनेगा ही। बट यहाँ पे देखिए हम नमक भी मैं छीन रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ जो भी है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं, इसलिए कि इतना बनाऊँ कि ख़त्म हो जाए, कि शाम का खाने का तरीका रहे, नहीं तो होता है क्या ढेर सारा रहेगा तो फिर सोचना पड़ेगा। तो यहाँ मेरी कढ़ी भी देखिए बन चुकी है और दो सब्जियाँ भी बन चुकी है, आटा गूंथ के इधर रखी हूँ, बस रोटी बनाना बाकी है, चावल चढ़ा चुकी हूँ। तो बहुत जल्दी जल्दी आज सुबह की मॉर्निंग का काम मैं सोच रही हूँ फटाफट निपटाऊँ, क्योंकि आप लोग को बहुत ढेर सारी चीज़ें दिखानी है कैसे क्या करना है। तो ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, अगर कंटिन्यू नहीं बने रहेंगे तो आप लोग स्किप कर देंगे तो वीडियो पसंद कैसे आएगा, तो फुल देखना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, अभी मिलते हैं। तो यहाँ कढ़ी चावल भी पक रहा है, कढ़ी दो सब्जी भिंडी और नेनुआ की और कढ़ी चावल रोटी। आज है दीपावली, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग, सुबह की गुड मॉर्निंग हो गई, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली। सभी लोग को ढेर सारा दीपावली की शुभकामनाएं, सबके घर में दिया भगवान करे हमेशा जलता रहे, सबके यहाँ लक्ष्मी की वास होता रहे। और तो फाइनली आज है बड़ी वाली दीपावली और आज मैं अभी सुबह की मॉर्निंग में मैंने क्या क्या बनाया जो आप लोग को मैंने दिखाया है कि कढ़ी चावल अभी बन रहा था, रोटी बनाना बाकी है, दो सब्जी एक नेनुआ एक भिंडी की भिजवा। और ये सब करने के बाद मुझे और क्या क्या करना, अभी मैं सोच रही हूँ फटाफट पहले मैं खाना बना लूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगी घर का झाड़ू पोछा जो हो जाए, उसके बाद मैं फूल भी इनको भेजूँगी लेने के लिए, लेके आएंगे, डेकोरेट करना है और मुझे ढेर सारी तैयारी करनी है। तो मैं सोच रही थी कि दोपहर में सजाने वाला काम हो जाए और शाम को भोजन 5 बजे तक मैं सब्जी वाला, मैंने जो सब्जी बनती है सब्जी बनने वाला काम और आटा गूंथने ये सब काम करूँगी, तो मैं शायद पूरी तरीके से रेडी हो जाऊँगी और आप लोग के साथ अपना वीडियो या फोटो शेयर कर सकूँगी, नहीं तो नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि जब काम करती हूँ ना और पूजा के समय होता क्या है, अक्सर जब पूजा करने मम्मी जाती हो मैं काम करती रहती हूँ, रुक ही नहीं रहा है मोबाइल, तो काम करती रहती हूँ जिससे मेरा नहीं हो, मुझे लेट हो जाता है पूजा के समय जाने में। बट आज मैं कोशिश, क्यों मेरा चेहरा झिपसा रहा, बट मैं आज कोशिश करूँगी कि आज मैं पूजे में पूरी अच्छे तरीके से रेडी होकर खड़ी हो जाऊँ और जल्दी से मम्मी के साथ बैठ के सारे काम करूँ, तो कोशिश यही है। तो देखिए आज मैंने सुबह ये वह पिंक वाली साड़ी वेयर की है जो मुझे अच्छी लगती है काफ़ी, आप लोग बताइए कैसी लगती है। ये पिंक रानी पिंक है, थोड़ा सा अलग इसका लुक लगता है। तो अभी यहाँ पर मेरा काम कंटिन्यू स्टार्ट है सुबह से, और ब्लॉग तो सुबह से नहीं स्टार्ट था, कारण था बताऊँगी अभी लास्ट में चलते हुए, तो ऐसा ही हुआ था। तो अभी मैं फटाफट कर लेती हूँ काम और जल्दी से क्या क्या करना है आप लोग के साथ दिखाना है। अब मैं चल रही हूँ अपने दीपावली की तैयारी करने जो हमें करना है, और यहाँ पे पार्किंग एरिया मैंने अभी धूल के साफ कर ली हूँ, और इसे करने के बाद अब मैं चल रही हूँ फटाफट, देखती हूँ जो झालर रहती हूँ उसे गेट पे वहाँ पे लटकन लगाने के लिए, कुछ हमारे सीढ़ी पे भी यहाँ पे लग गया है जो आप देख ही रहे हैं, थोड़ा सा लगा है, मुझसे गलती हुई, मैं मार्केट तब से निकल नहीं पाई, उसने जब गई थी तो मैं 4 ही पीस ली, मुझे लेना चाहिए, मैं रेलिंग को बस समझ के ली थी, लेकिन मुझे लेना चाहिए था गेट के लिए भी, तो गड़बड़ी हुई, नेक्स्ट बार में ऐसा होगा। यहाँ पे आज मैंने अपने दिन के नींद या दिन का आराम हराम कर दिया है, अपने घर को नए नवेरन दुल्हन बनाने के चक्कर में, तैयार करने के चक्कर में, कि अपना मेरा घर डेकोरेट करने के चक्कर में। ये देखिए मैंने फूल की गठरियाँ लेके बैठ गई, अभी कुछ और माले फूल हैं जो अलग मैंने रख दिया है। तो आज सच में मैं अपने घर को दुल्हन की तरह तैयार करने जा रही हूँ, यहाँ पे बन रहे हैं सारी चीज़ें, दिया कलश वगैरह जो भी बनना होगा, तो यहाँ पे मैं रंग
रंगोली इसलिए फ्लावर से बना रही हूँ कि जो कलर से बनते हैं ना, कि थोड़ी देर बाद बच्चे के इधर उधर वो भी तो होता ही है, उसके बाद अगर थोड़ा भी पानी वगैरह कुछ भी लगता है तो कलर टाइल्स पे वाइट वाइट में है या ये कलर है तो उस पर कलरफुल होने लगता है, फिर बहुत मेहनत करना पड़ता है। और इसीलिए मैं सोची चलो इस बार फ्लावर से ही, फूल से ही सारा बनाया जाए, तो मैंने मंडी से मंगवाया था और यहाँ पे मैं अब डेकोरेट करने के लिए बैठ गई हूँ। आज अपनी दिन की नींद चैन सब हराम करके नई नवीलन दुल्हन तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा सारी ब्लॉग आप लोग के साथ आज वीडियो ऐसा शेयर हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा और कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बन तो रहा था लेकिन जो हमारी उत्साह एक अपने घर के लिए लेके था कि सजाने का, तैयार करने का या जो भी डेकोरेशन का जितनी भी सामान, ये बाकी गेट वगैरह का जितना भी मिलाई थी मैं अपनी से लाई थी और यहाँ मैंने माला कुछ लेकर आया कि उससे भी तोड़ तोड़ के अभी यहाँ फ्लावर से करूँगी। तो इस अकॉर्डिंग मैंने अपने घर को तैयार करने के लिए, तो हमें लग रहा है सभी लोग अपने घर को तैयार करने के लिए, एक नई नवी दुल्हन बनाने के लिए, एक जो ऐसा त्यौहार है ये दीपावली ना, कि बस सजाते रहो सजाते रहो सजाते रहो और कमियां पे कमियां लगती रहती है कि अरे ये भी होता तो और अच्छा होता, ये होता तो और अच्छा। यहाँ बेटी भी साथ में बैठी है तो हम दोनों लोग बैठ के चलिए मैं दिखाती हूँ अब आपको अपने नई नवीलन दुल्हन जो मैं बनाने के लिए कब से तैयार कर रही थी और आप लोग के सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो आज पूरा दिन इस दुल्हन को तैयार करने के चक्कर में मेरा पूरा दिन लग गया। भोजन बनाने के बाद सुबह के जो लंच होता है वो सब करने होने के बाद, तो चलिए दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ भी झालर तो लटका है लेकिन रात के समय, तो यहाँ पे गेटों पे कुछ इस तरीके से झालर लटके हैं और यहाँ मेन गेट से मैं एंट्री मार रही हूँ अपने घर के अंदर। और यहाँ देखिए तैयारियाँ चल रही हैं दीपावली की, शाम का अभी हो रहा है दोपहर का 2:30। और यहाँ जो बना है गेट के सामने ठीक गेस्ट रूम है, जो गेस्ट रूम के सामने यहाँ पे बना है स्वास्तिक जो मैं बनाई हूँ, ये बना है दिया, ये भी मैं बनाई हूँ, ये बना है जो फ्लावर टाइप में इस तरीके से वो बनाई है बेटियाँ। और यहाँ पे फिर ये भी मैं बनाई हूँ क्योंकि ये दिया रखने के लिए इस तरीके से कुछ, फिर गेट के अंदर एंट्री मारते थे यहाँ पे दिया है बना हुआ और यहाँ पे स्वास्तिक है और दो फिर यहाँ पे है। और यहाँ पे अब बेटियाँ लोग सीढ़ी पे किनारे किनारे, हटो बेबो, डेकोरेट हो रहा है यहाँ पे, देखते हैं कैसा बनता है। के अंदर चैनल के अंदर ये स्वास्थ्य की चीज़ें हैं और यहाँ पे जहाँ भगवान जी के नीचे चलेगा दीपक, यहाँ भी फ्लावर इस तरीके से लग जा रहे हैं, दिया बनेगा तो यहाँ पे लोग लगे हैं। तैयारी सारी करी करी होकर जहाँ सीढ़ी का मैंने नहीं दिखाया, चैनल गेट के पास से जब यहाँ से एंट्री होता है बाहर के लिए, देखिए बाहर के लिए जो बाहर से मैंने लगा, और यहाँ हमारी सीढ़ी अब देखिए इस तरीके से कुछ है ऐसे, और यहाँ किनारे किनारे जो बन रहा है वो देखिए। तो कुछ ऐसे घर का डेकोरेट चल रहा है, अब देखिए कैसा लगता है। अभी तो सब तैयार होगा तब पता चल, अभी तो 2:30 बज रहा है और 2:30 बजे हम लोग पहले काम स्टार्ट कर दिए थे, घर थोड़ा सा देखने से लुक अच्छा लगे इसीलिए, तो कोशिश हो रही थी कि फटाफट तैयार हो जाए अच्छा लगे से देखने से। थोड़ा सा हमें इस पर भी चाह रहा था झालर वगैरह चैनल गेट के ऊपर भी, लेकिन चलिए नेक्स्ट बार अगली बार होता है कोई चीज़ भूलता है, एक बार होता है करने से मिस्टेक तो दूसरी बार नेक्स्ट बार याद आ जाता है। तो चलिए ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रही है, देखते हैं वीडियो कब तक एंड होता है। वैसे कोशिश करूँगी मैं पहले एंड कर दूँ आप लोग को, क्योंकि फिर दूसरे ब्लॉग स्टार्ट होगा जो आप लोग के साथ जाएगा आज रात वाली, और भोजन वगैरह सब क्या क्या बनेगा, कैसे दीपक जलेंगे सारी चीज़। यहाँ पे देखिए ये डेकोरेट हो रहा दिया जो जलाया जाएगा भगवान जी का, तो यहाँ पे ये दिया के आकार में बना के यहाँ पे कर दिए वो पीढ़ी के पास जिसपे लक्ष्मी गणेश रखाएंगे वहाँ। ये सब तैयारियाँ चल रही है, तो तैयारियाँ बहुत जोरों शोरों से है, बस आप लोग लाइक कमेंट करते रहिएगा।
भी।